नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली जायसवाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल पाल स्विंग मशीन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। खास के साथ साथ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाली है, इसीलिए आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, यहाँ पर आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसने इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जी हाँ, इस मशीन की वजह से आज हम सभी फैशनेबल कपड़े पहन सकते हैं और आप सभी समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ स्विंग मशीन यानी सिलाई मशीन की। सो अभी हम मौजूद हैं E9 सेक्टर 6 नोएडा में और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शोरूम है जो कि है पाल स्विंग मशीन का। जी हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी बुटीक के मालिक हैं, उनके पास उनका बुटीक है या फिर आगे वो अपना बुटीक का काम शुरू करने वाले हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं या फिर आपने ऑलरेडी फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो भी ये वीडियो आपके मतलब की है। एंड दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए भी है जो घर में रहती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे घर की लक्ष्मी गृहिणियों के लिए और जो घर पर ही सिलाई बुनाई का काम करती है अपने बच्चों और अपने परिवार वालों के लिए। तो चलिए अब हम आपको हमारे पाल स्विंग मशीन के शोरूम की सैर कराते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर आपको मिलवाने वाले हैं इस शोरूम के मालिक से। जी हाँ, इनका नाम है अजय कुमार पाल जी और सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, सबसे पहले हमारे कस्टमर्स को ये बताइए, हमारे व्यूवर्स को ये बताइए कि यहाँ पर आपको ये शोरूम खोले कितना समय हो गया? ये हमारा 2002 में मैंने खोला था और जब से चला रहे हैं। ओके, मतलब 2002 से इन्होंने शुरुआत की थी और अभी भी बहुत अच्छे से ये जो है इस जर्नी को आगे लेकर जा रहे हैं। तो सर, अब हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पर मैं देख रही हूँ बहुत सारी कंपनीज़ के स्विंग मशीन पड़े हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन से कंपनी के सिलाई मशीन यहाँ पर आपके शोरूम पर मिलेंगे? ओके, सबसे पहले हमारे पास आपको ऊषा की मशीन मिलेगी, सिंगर की मशीन मिलेगी, उसके बाद हम लोग अपना जो तैयार करते हैं वो स्पीड की होती है और उसके बाद जूकी है, जैक है, होबेस्ट है, पेगासस है, उसका कटिंग जो कटिंग करने वाली मशीन होती है स्टमैन वो भी मिल जाएगी, फ्यूजिंग मशीन मिल जाएगी, प्रेस मिल जाएगी और आपका बॉयलर हो गया, स्टीम टेबल हो गया, एक्सपोर्ट हाउस का टोटली सामान मिलता है। ऑलराइट, सो यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सिलाई मशीन मिलेगी, सिलाई मशीन के अलावा भी जो सारे सामान होते हैं वो मिलेंगे। ऑलराइट, तो सर मुझे ये बताइए कि सिलाई मशीन के अलावा, जैसे कि आपने ये बताया कि आपका अपना एक स्पीड ब्रांड है, इसका क्या मतलब, क्या इसकी स्पेशलिटी है और ये कैसे दूसरे ब्रांड से अलग है? ये मैंने जो क्लाइंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग बनाया कि हमारे को परेशानी होती है, जैसे कि मोटा पतला कपड़ा लगाने में सेटिंग करनी पड़ती है, तो इसमें मैंने स्पेशल तरीके से बनाई है कि मोटे से मोटा कपड़ा और पतले से पतला, सिफोन हो गया, जीन्स हो गया, घर के अंदर तो सभी तरह के कपड़े चलते हैं, तो इसलिए सभी तरह के यूज़ करने वाली मशीन मैंने बनाई है। अच्छा, ऑलराइट सर, थोड़ा सा हमें जानकारी दीजिए इंडस्ट्रियल मशीन और डोमेस्टिक मशीन के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि दोनों मशीनें अलग अलग होती हैं, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में हमें बताइए। इसको हम लोग डोमेस्टिक बोलते हैं घर के लिए, और इस ये सारी मशीन है ना घर के लिए होती है। अच्छा। और इंडस्ट्रियल हम उसको बोलते हैं जो एक्सपोर्ट हाउस में यूज करते हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग में बच्चे यूज करते हैं सबसे पहले कि हम ये मशीन, ये इंडस्ट्रियल में यूज़ होती है। ओके, ये वाली है ना, सारी मशीनें इंडस्ट्रियल है, इधर डोमेस्टिक है। तो बच्चों के जैसे ओवरलॉक हो गया तो ये एक ट्रेंड चेंज हो जाता है, जैसे स्लो स्पीड में चलता है या हाई स्पीड में चलता है। ओके, सपोज दैट जैसे आप दिन में 2 पीस बनाते हैं तो इससे आप 20 पीस बना लेंगे। ओके, 18 पीस इसका फर्क होता है। ऑलराइट, यस। सो यहाँ पर थे हमारे साथ अजय कुमार जी और इन्होंने बहुत ही अच्छी से जानकारी दी, बहुत ही बढ़िया से बताया। सो दोस्तों, चलिए हम आपको सैर कराते हैं हमारे शोरूम के अंदर की और दिखाते हैं कि हमारा शोरूम अंदर से कैसा दिखता है।
सो दोस्तों ये था पाल स्विंग मशीन का शोरूम। आई होप आपको ये शोरूम अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपको हर तरीके की स्विंग मशीन मिलेगी। उसके अलावा अगर आप कोई सिलाई मशीन रिपेयर करवाना चाहते हैं वो सर्विस भी आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मिलेगी, तो ज़रूर आइएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने देखे, मैनिक्विन हमने देखे और हैंगर्स देखे, हैंगर स्टैंड देखे। तो इट्स अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन, आपको जो कुछ भी चाहिए आप यहाँ पर आकर खरीद सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल और कम से कम रेट में आपको यहाँ पर सारा सामान मिल जाएगा। सो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, साथ ही साथ कॉमेंट में हमें बताइए कि आपको हमारा शोरूम कैसा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ जिनको इन वीडियो की ज़रूरत होगी उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। एंड हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन करिए, और वहाँ पर रेड बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा उसे ज़रूर दबाइएगा, सो दैट आपको आगे फ्यूचर के जो भी वीडियो अपडेट्स है वो मिलते रहे। सो दैट वॉज वैशाली जायसवाल साइनिंग ऑफ। टिल देन बाय बाय, सायनारा, टेक केयर एंड एन्जॉय।